हेलो हेलो हेलो। कहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं? शुरू करना है, बाकी का एमसीक्यू हो चुका है, थ्योरी हो चुका है, तीन हो गए, भूटान, पाकिस्तान और नेपाल। ठीक, और चैप्टर एट तो लास्ट वीक ही हो गया, वहाँ से शायद टेस्ट भी हो गया। टेस्ट में किसी के 200 में 200 नहीं आते हैं, सिर्फ 116। इसका मतलब कोई नहीं पढ़ रहा बुक, सारा तो बुक में से ही था। तो दो क्यों, 7-8 क्वेश्चन थे सेम सेम। नेशनल एनिमल को नहीं यहाँ तक पूछा हमने, तो आया है एग्जाम में तो हम क्या करें? कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें डेट नहीं आए। चार दिन पढ़े तभी दिक्कत नहीं है, कुछ नया भी दिन पड़ता है जो है ही नहीं। चले तो ये आज और कल में नेबरिंग कंट्री खत्म कर देंगे, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर हैं, और इस वीक थोड़ा एडवांस भी चलेंगे, और हमारा टाइम लगभग 2.5 घंटे तो रहेगा ही रहेगा मिनिमम, मतलब 2.5 से 5 हम कोशिश करेंगे, 2 घंटे तो रहेंगे कम से कम। हाँ तभी खत्म होगा, ये सोच रहे हैं कि अभी ये चैप्टर खत्म हो गया अब कल करेंगे तो कोई फायदा है नहीं। करंट का भी, हाँ उसको भी आजकल में शुरू कर देंगे। अफगानिस्तान हमारा डायरेक्ट नेवर नहीं है, है ना? हमारा जहाँ पे नेवर है वो हिस्सा ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से में, लेकिन यदि हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये पाकिस्तान का है तो दिक्कत है ना? इसीलिए हम इसको ये मान के चलते हैं कि हमारा ये नेबर है, लेकिन हमें रियलिटी में भी जानकर रहना है कि नहीं एक्चुअल में है नहीं। इसीलिए कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का नाम क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कौन सी सेना खड़ी रहती है, जैसे हमने चाइना नेपाल पे बताया, भूटान पे बताया है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ ये जरूर क्वेश्चन पूछता है सबसे कम सीमा किस देश के साथ मिलती है, तो किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है, जो SSC ने क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से 106 किलोमीटर है। हाँ सबके पेज बुक में तो कोई नहीं, फोटो किसी ने फाड़ दिया होगा। अब मैं बुक तो, हाँ बुक तो चेंज करूंगा नहीं। अब देखें, अभी अफगानिस्तान पे किसी का कंट्रोल हो गया है, किसका कंट्रोल हो गया है? तालिबान का। तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है तालिबान का कंट्रोल हो गया, लेकिन हमारे लिए फिजिकली थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे इसकी कैपिटल क्या है? काबुल। और दूसरा क्वेश्चन हमारे काम का आता है कि लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, तो काबुल ही है। ये किस किस देश से का नेबरिंग है? तो ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, तुर्कमेनिकिस्तान के साथ है, उज्बेकिस्तान के साथ है, और ताजिकिस्तान के साथ है, और चाइना भी है ना? तो हमारे लिए थोड़ा सा जो काम काम का पॉइंट है वो देख लेंगे। जैसे इनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो पास्तो या दारी, ठीक है, पास्तो दारी दोनों है। जैसे इंडिया का हिंदी और इंग्लिश है, पाकिस्तान का उर्दू और इंग्लिश है, तो उसी तरीके से इनका पास्तो और दारी है। अब लेंथ ऑफ बाउंड्री हमने कितना किलोमीटर लिखा है वहां पर बुक में? 106, उसी को रखिएगा। ये 80 थोड़ा सा गलत है, हालांकि ये डिस्प्यूट वाला पॉइंट है, लेकिन फिर भी SSC ने 106 दिया तो हम उसी को लेके चल रहे हैं। और एक ही स्टेट है जो जिसके साथ इसकी बाउंड्री मिल रही है, वो है जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। डुरंड लाइन आ चुका है आपके एग्जाम में, किन दो देशों के बीच में है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। बेसिकली जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था तब ये लाइन बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया, तो इसलिए कब 1893
यस यहाँ पर कि जो बॉर्डर बनाया गया था 1893 में ड्यूरंड लाइन बनाया गया था, तो पाकिस्तान अलग हो गया तो बॉर्डर तो वहीं रहेगा, तो तब बना था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन अब आज के डेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड लाइन कब बना, ये क्वेश्चन वैसे भी हिस्ट्री में आता रहता है और वैसे भी हमें यह जान के रखना है, ये हम पढ़ चुके हैं। और कुछ कुछ इंडस सिविलाइजेशन भी यहाँ पर मिलता है, सुरतागोई और कंधार, यमुंडिगाक। अब देखो एथनिक ग्रुप सबसे ज्यादा कौन सा है, पास्तून। लेकिन यहां से बात बनेगी नहीं, वो आपसे पूछ लेंगे बलूच कहाँ पे पाई जाती है, अहमक कहाँ पे पाया जाता है, उज्बेक कहाँ पर हैं, हजारा कहाँ पर हैं, ताजिक कहाँ पर हैं। तो हमें ये तो जरूर पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन सी है, लेकिन और कौन कौन है ये भी थोड़ा बहुत तो रीड करके रखना है। तो हमने दिखाया था क्वेश्चन चाइना वाले में या शायद नहीं नेपाल वाले में शायद आया था कि ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है। तो हमने कहा पास्तून, ताजिक, हजारा, उज्बेक, आमिक, तुर्कमेन और बलोच, ये सब तो काम का खत्म ही हो गया। ऑफिशियली भी वो इस्लामिक है और अब तो पूरे तरीके से इस्लामी चल रहा है, गवर्नमेंट यूनिटरी प्रेसिडेंशियल इस्लामिक रिपब्लिक, और अब तो पूरी तरीके से इस्लामिक ही है, ये सब हटा दीजिए। लेजिस्लेचर का नाम है इनका नेशनल असेंबली, है बुक में, ठीक है। अपर हाउस हाउस ऑफ एल्डर्स और लोअर हाउस हाउस ऑफ द पीपल, अपने जैसे ही है, लोकसभा हो गई और अपर हाउस यहाँ पर उच्च सदन के नाम से, और नेशनल असेंबली। इसके फॉर्मेशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि इनका स्थापना किसके द्वारा, होतक एम्पायर, फिर दुरानी एम्पायर 1747 में, अमीरात के द्वारा 1823 में रिकॉग्नाइज इनको दिया गया। यही वाला डेट एग्जैक्टली यही है कि कब इनको मान्यता दी गई, तो 1919 में दी गई। और ये रिपब्लिक कब बने थे, 1973 में, और करेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2004 में जरूर है लेकिन अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, अभी सब कुछ वही पे है। द रूट नेम ऑफ अफगानिस्तान इज, अफगानिस्तान वर्ड का मीनिंग क्या है, तो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ अश्वकान, मीन्स हॉर्समैन से या घोड़े से संबंधित है। और विलायत ये आता रहता है, तो कितने इनके पास प्रांत हैं, कितने विलायत हैं, 34 प्रांत या 34 विलायत हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं सोचने का, ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और किस तरीके से शासन होता था, तो अभी ये काम कुम का है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि विलायत है, ये इतने विलायत हैं, कितने विलायत हो गए, 34। कैपिटल काबुल बता ही दिया, करेंसी इनका अफगानी, और नेशनल एनिमल स्नो लिपार्ड, नेशनल बर्ड गोल्डन ईगल, नेशनल फ्लावर ट्यूलिप, नेशनल एंथम मिली सुरूद, नेशनल ट्री अफगान पाइन, और ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ी लिए थे दारी और पश्तो, और रिपब्लिक 1973 में ये बने थे। बुजकासी सर धड़ अभी आएगा, फोटो आएगा, वो घोड़े पे चढ़ के पशु का एक धड़ रहेगा और वो खेलेंगे, अभी आएगा फोटो दिखेगा। बॉर्डर 6 देशों के साथ ही, इंडिया के साथ तो मान नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने दोनों तरीके से दे दिया है। हाईएस्ट ये जो जगह इनका हिंदू कोश, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, नासाक या नोसाक, नो है दिया हुआ बुक में, तो ये लिख लीजिएगा। इस तरीके क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन में तो रहेगा ही। न्यू ईयर इनका फारसी होता है, और फारसी त्यौहार का न्यू ईयर क्या होता है, नौरोज होता है। भारत में नौरोज की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने। चलो, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं किस चीज़ के, ओपियम अफीम के हैं, और अपर हाउस में इनके पास 102 लोग हैं और लोअर हाउस में 250 हैं। पॉपुलेशन वाइज ये 44वें नंबर पे हैं,
और एरिया वाइज 40वें नंबर पे। ये जरूरी नहीं है, हालांकि हमने एमसीक्यू में दे रखा है। फादर ऑफ नेशनल नेशन अहमद शाह दुरानी, नेबरिंग कंट्री का नाम दे दिया गया। तो हमने कहा था नेशनल ट्री इनका अफगान पाइन है, ट्यूलिप इनका फ्लावर है, स्नो लिपार्ड एनिमल है, गोल्डन ईगल बर्ड है इनका, ये बुचकाशी। साउथ के कुछ मूवी में देखेगा ये कि हीरोइन को लेकर मार के भगाते हैं तो हीरो बीच में आ जाता है, देखे वो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जनरली जानवरों को, हाँ अच्छा, खुदा गवाह। नेशनल फ्रूट पीच, करेंसी हमने बताई दी अफगानी है। फर्स्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद दाऊद खान या अभी जो है हामिद करजई थे। तो अभी कह रहा होगा, कोई बात नहीं हटा देने। ये है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल राशिद दोस्तों, उनको पुराना वाला हटाना होगा, नया वाला हटा दिया हूँ, उल्टा कर दिया हूँ मैं। एमएसआ दुरानी और पिच, ये दो चीज लिखना होगा। लॉन्ग लार्जेस्ट रिवर अमुदरिया और लॉन्गेस्ट रिवर हेलमेंड रिवर। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट अमुदरिया और लॉन्गेस्ट हेलमेंड रिवर। लार्जेस्ट लेक कजाकी डैम, ये नहीं होगा, ये लिखिएगा जरूर। नेशनल डांस अटन, नेशनल पोएट कुशल खटक और नेशनल डिश काबुली पुलाव, बेटल ऑफ सरागासी सरागढ़ी मूवी भी देखी होगी आपने, सरागढ़ी जिसमें अक्षय कुमार की मूवी आई थी, जो कुछ सैनिक होते हैं जो कुछ बहुत सारे अफगानों से लड़ते हैं, जिसका गाना भी काफी पॉपुलर हुआ था। केसरी, यस केसरी मूवी लिख दिए। सलमा डैम कई बार आ चुका है, अभी भारत सरकार ने कुछ प्रपोजल दिए हैं और भारत सरकार चाह रही है कि वहां के तालिबानी सरकार को मान्यता दे दिया जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारा डूब जाएगा, तो 99% अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। तो सलमा डैम किस रिवर पर है ये हमें जानना चाहिए। तो हरी रिवर कहीं दिख रहा है क्या? हरी रिवर इन चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट, हार्ड प्रोविंस ऑफ वेस्टर्न अफगानिस्तान। चाबरा चबार पोर्ट, ये पाकिस्तान से जाके हमें सपोर्ट करना था तो पाकिस्तान ने मना कर दिया, तो ईरान के इस पोर्ट से हम अफगानिस्तान जाके उनको मदद करते हैं। हाँ कई सारी चीजें भेजते रहते हैं। तो ये है कहाँ पर, ये ईरान वाला हिस्सा, तो यहाँ से जाके कांडला से महाराष्ट्र से, और इस तरीके से हम उनको सपोर्ट करें, जबकि हम इजली कराची से जा सकते थे लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। चल अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ था?
ढूंढिए तो क्वेश्चन। आप जानते हैं कि सार्क में 8 मेंबर हैं, आठवां मेंबर अफगानिस्तान ही था। 11वां क्वेश्चन, एक बार विवेक देख लेना, बिलू आए हैं तो कह दो भाई जल्दी से अफगानिस्तान का, और इसके बाद कौन सा है म्यांमार का, एमसीक्यू दे दो पीपीटी बने, और श्रीलंका तक का। तो ये इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, 2007। ये आया हुआ एसएससी का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन आसान है। मतलब जो डिस्प्यूट वाला होगा ये नहीं देगा 104 90 95, है ना, इतना दे देगा कि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई डिस्प्यूट वाले होंगे। किर्गिस्तान ठीक है बिल्लू, मान्यता कब दी गई थी, 1919 में है, 1919 में दिया गया था। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी, कभी सबसे बिजीएस्ट माना जाता था कंधार, फिर अचानक कुछ हो गया। ये जो बेमियान के बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी उसी का साइड इफेक्ट हुआ था, म्यांमार में मुसलमानों पे बुद्धों ने हमला किया, और ये जो भाग के नहीं है हमारे वहाँ रोहिंग्यास, तो उसी का साइड इफेक्ट था। अब ये कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, बाघा कॉरिडोर तो कहां पर, अफगानिस्तान, कोई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है। हाँ ये बताइए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड लाइन कब बना था बच्चों, 1893। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी, ऑप्शन ही आसान है। रूबल किस देश का है, रसिया का है। चाबहार पोर्ट कहाँ है, ईरान में, अभी पढ़े थे आप। अगला जी है म्यांमार, आएगा जब वो बना के भेजेगा तो। अब म्यांमार में भी चीजें बदल गई, जुंटा था फिर दोबारा आया, फिर दोबारा जुंटा हो गया। तो हमसे यहां दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर इनका हाईएस्ट पीक पूछ लिया हमसे, दूसरा हमसे बॉर्डर का भी कोई, हमने भारत का पहला जो वो चला था सर्जिकल स्ट्राइक वो इन्हीं के देश में चला है, ऑपरेशन सनराइज के। तो ये एक दो तरीके क्वेश्चन इनसे हमने इन्होंने हमसे पूछा है। तो पहले हम इसको बर्मा के नाम से जानते थे, और आज के डेट में हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, और इनकी कैपिटल आज के डेट में नेपिट या नेपिड के नाम से, पहले किस नाम से था ये, और लार्जेस्ट सिटी आज के डेट में यंगून या रंगून ही है, बहुत समय पहले इसकी कैपिटल भी रंगून ही हुआ करती थी। तो म्यांमार इज द लार्जेस्ट इन द मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, ये तो हटा दो। म्यांमार हैज बिन मेंबर एज आसियान सिंस 1997। भारत आसियान का मेंबर है, नहीं है। आसियान में कितने मेंबर हैं, 10। ठीक, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीज कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यांमार आफ्टर 3 एंग्लो बर्मीज वार। म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था, नहीं 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 1937 में 1935 के अधिनियम से, उन्हें लिखा है, 1935 का एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। खैर, म्यांमार वाज गारंटेड इंडिपेंडेंट इन 1948 बाय एज अ डेमोक्रेटिक नेशन। ये जो कूप हुआ है इन 1962 बिकम द मिलिट्री डिक्टेटरशिप अंडर द बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी, और तब से लेकर 2011 तक थे वो कूप करके।
फिर अभी दोबारा 2020 में या 21 में, 20 में शायद, 21 में दोबारा वहां पर हाँ तख्ता पलट कर लिया और फिर उनको जेल में भेज दिया आन सान सू की। हाँ नजरबंद किया था शायद, अब जेल में है। ठीक, और ये कई सारे संस्थाओं का मेंबर है, नाम का है, बिमस्टेक का है, आसियान का है, कॉमनवेल्थ का भी है। कॉमनवेल्थ का नहीं है? ठीक, सबसे ज्यादा कौन सा है? बामर, दूसरे नंबर पे शान, तीसरे नंबर पे कारेन, चौथे नंबर पे रखीन, तीसरे चाइनीज, इंडियंस और मोन। इसी तरीके से आता है कि मोन ट्राइब किस देश में पाई जाती है या मोन एथनिक ग्रुप कहां पर उपस्थित है। सबसे ज्यादा यहां पर क्या है? बुद्धिस्ट है, और दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन है, और तीसरे नंबर पे इस्लामिक है। ये सब चीजें बदल चुकी हैं अभी, कोई जरूरत नहीं। हाँ ये है कि गवर्नमेंट कैसी है, बाई कैमरल असेंबली और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक अब नहीं रहा, लेकिन सिस्टम बाई कैमरल ही है। यह आन सान सू की लेजिस्लेचर इनका क्या कहला रहा है? असेंबली ऑफ द यूनियन, और अपर हाउस किस नाम से? हाउस ऑफ नेशनलिस्ट, और लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अभी आप देखेंगे कि इन्होंने जब संविधान लागू किया तो जानबूझ के जुंटा ने अपने लिए बहुत सारी सीटें फिक्स कर दी, और जैसे इन्होंने कहा कि सेना के द्वारा कितने 25%, और द्विसदनीय विधायिका जिसमें से एक में कितना है 224 सीट इन अपर हाउस एंड 414 लोअर हाउस। द अपर हाउस कंसिस्ट 168 मेंबर हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड एंड 56 हु आर अपॉइंटेड बाय आर्मी। देख रहे हैं क्या लॉजिक है? पता नहीं। द लोअर हाउस कंसिस्ट 330 मेंबर डायरेक्टली एंड 11 मेंबर बाय आर्मी। तो लगभग 25% सीट ये लेके जा रहे हैं। हाँ 33%। ठीक, और कब इंडिपेंडेंस हुए ये? 48 में। ब्रिटेन ने इनको कब अक्वायर किया? 1886 में। और पहले डेंसिटी जो प्यू सिटी स्टेट था, फिर पोगान किंगडम आया, फिर तुंगू आए, फिर खाबुंग डायनेस्टी आए हैं। कूप हुआ था या सैन्य शासन 1962 में चला था। बर्मा म्यांमार कब बना? तो 1989 में। और फिर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था 2011 में। इनके पहले प्रेसिडेंट कौन है? यूनू। क्या है? प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, और प्रेसिडेंट साउ थ्वे थाक एथेक। उनू पीएम और साउ स्वे थैक जी इज द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावती रिवर, और म्यांमार का हाईएस्ट पॉइंट हक्काबो राजी। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों क्वेश्चन आए हैं, हक्काबो राजी और इरावती रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर और सबसे ऊंचा पॉइंट। कौन कौन से राज्य के साथ मिल रहे हैं? टोटल डिस्टेंस है 1643, और इसका हमने ट्रिक बनाया था आना मम्मी म्यांमार। तो आना मम्मी का क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
और मणिपुर और मिजोरम मम्मी हो गया, है ना? तो ऐसे लगा याद रखना है। सब ज्यादा किसके साथ मिल रहा है? अरुणाचल प्रदेश के साथ, और सबसे कम नागालैंड के साथ। ये आपका म्यांमार हो गया। जापान ने कब्जा करके इनको दे दिया था, और वहां पे इन्होंने, आप मुझे खून दे मैं आपको आजादी दूंगा। आज की डेट में क्या है, आप मुझे खून दे मैं बेच दूंगा, है ना? हाँ, जो आप ब्लड डोनेट करते हैं वो बहुत बिकता है, वो हमें आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके ले बेच रहे होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे समय दे मैं आपको सिलेक्शन दूंगा, लेकिन लोग क्या समय दे ही नहीं रहे, अपने हिसाब से दे रहे हैं। अब तुम अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं आगे। ये मैं ऐसे ग्राउंड में देख रहा हूं, कोई दो चार यूं ही बैठ बैठ के पढ़ रहे हैं एक साथ। अब ऑन 13 फरवरी 2001 इंडिया म्यांमार इनोग्रेटेड 250 किलोमीटर तामु केलवा केलमियो हाईवे कॉल्ड द इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर ईयर इंपॉर्टेंट है, 2001 में। नाम याद हो तो अच्छी बात है, तामु केलवा केलियो हाईवे। कला दाम मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। देखो ध्यान से किसको किसको जोड़ा गया है। हुगली पोर्ट या कलकत्ता पोर्ट जो है वो रिवेरियन पोर्ट है भारत का एकमात्र, जो बड़े वाले लार्जर पोर्ट में से। तो हमने कहा कि विल कनेक्ट द ईस्टर्न इंडियन सी पोर्ट्स कोलकाता और सिटवे इन द म्यांमार। ऐसा मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी शायद रहा है, हाँ है ना? हाँ, तो देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन उठा रहे। और ऑपरेशन सनराइज हमने बता ही दिया कि हालांकि हमारा सर्जिकल स्ट्राइक जरूर था, लेकिन जनरली सर्जिकल स्ट्राइक में उस देश को इन्फॉर्म नहीं करते, इनके वाले में उनके सहमति से हुआ था, हाँ ज्वाइंट ऑपरेशन के रूप में। गोल्डन ट्रायंगल मैप में कई जगह मिलेगा, तो यहाँ पर किन किन देशों के बीच में है, तो लाओस थाईलैंड और म्यांमार के बीच। कैपिटल क्या है, नैपिड। करेंसी क्या है, क्यात। प्रेसिडेंट हटा दो, वाइस प्रेसिडेंट हटा दो, स्टेट काउंसिलर हटा दो। नेशनल एनिमल क्या है इनका, टाइगर। नेशनल बर्ड ग्रे पिकॉक फिशांट फिशेंट। और नेशनल फ्लावर इनका पडोक। नेशनल ट्री ग्रीन पिफोल बबूल। और नेशनल गेम साइंटिफिक नाम लिख दिया होगा, कोई बुक में क्या लिखा है, बबूल लिखा है ना, ठीक है बुक वाला ठीक है। और नेशनल गेम इनका चिनलोन। और नेशनल एंथम काबा, यूपी में काबा। तो यहाँ क्या है, काबा माकई माकई, वही लॉजिक लगाना आना मम्मी म्यांमार वाला, तो काबा माँ। लिख दिए क्या, करेंसी आपने देख ही लिया, ये इनका अब काम नहीं है। स्टार बना हुआ है अभी, वो बॉल वॉलीबॉल के तरीके से ही है कुछ, मतलब उसी तरह। नेशनल एनिमल इंडो चाइनीज टाइगर। बर्ड ग्रेप पी फ्लो फिजेंट है। नेशनल फ्लावर
पेट्रोकॉर्पस इंडिकस, एक बार अनदर ट्री, ट्री इज अ बबुल, अरेबिक ट्री है, बबुल लिखा है ना, साइंटिफिक नाम हो सकता है ये जो दिया गया है, साइंटिफिक नाम है। किसी को पता इस फूल का एग्जैक्ट नाम क्या है अपने वहां? होता भी है ऐसा फूल? ये इसका साइंटिफिक नाम है बबुल का। नेशनल फ्रूट्स कुकुम्बर। तो इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं ना, डांस देगा तो बर्मीज ट्रेडिशनल डांस या नहीं लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, है तो ठीक है। ये है चिलोन, स्टेट इनके पास 7-14 और प्रोविंस के रूप में 7, बेसिकली 7 यूटी और 7 स्टेट के रूप में। और नेशनल फूड इनका मोहिंगा, वो नहीं दिया हुआ सर, दिया है ठीक है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा के तरीके से है, सॉन्ग। तो इनके वहां क्या कर रहे हैं, डाइन कह रहे हैं और टैनिंग कह रहे हैं। तो ये यूटी और स्टेट के तरीके से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि नेपिट को इन्होंने भी यूटी का दर्जा दिया हुआ है। जैसे हमारे वहां दिल्ली क्या है, एनसीआर, ये नेशनल डिश है मोहिंगा, ये स्वांग हो गया। रिवर तो आपने कर ही दिया, इरावती बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा हैं। और 37 में हमने इनको भारत से अलग कर दिया था 1935 के एक्ट से। लार्जेस्ट रिवर भी इरावती ही है और नेशनल रिवर भी इरावती ही है और लॉन्गेस्ट रिवर भी इरावती है और लार्जेस्ट लेक इंडिगवी लेक, नहीं है तो लिख लेना। हकाबो राजी आ गया पहले भी और एग्जाम में भी। लोवेस्ट पॉइंट अंडमान सी, नेबरिंग कंट्री में बर्मा है, लेक है मेरे बच्चे, इन गवेल या इंडावगी लेक। आया हुआ क्वेश्चन है, पीएम आन सान सू की बनी थी, अब तो काम का ही नहीं है। पार्लियामेंट में सीट अलग अलग बताई दिया था, 440 लोअर हाउस में था। लोअर हाउस को क्या कह रहे हैं, मजलिस के रूप में से भी बोल रहे हैं। और इनका ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मी है। ये पैगोडा भी एग्जाम में पूछ चुका है कि किस देश में। अब देखो इन्होंने खुद ही आसान कर दिया। पैगोडा एक कह लो बुद्धिस्ट पूजा स्थल कह लो, जहां बुद्ध टेम्पल, हाँ, जहां पे लोग भगवान बुद्ध के लिए पूजा कर रहे हैं। बताओ कौन से जगह पे जाएगा, हैं? कौन सा पैगोडा, कोई सा पैगोडा हो सकता है। द दिफू पास विच इज ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया म्यांमार एंड चाइना इज लोकेटेड एट विच लाइन। तो सिंपल सी बात है, चाइना आ गया तो लाइन मैकमोहन हो जाएगा। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का 7वां सदस्य बना, ये उस समय का करंट का है, अभी हमारे काम का नहीं है। ये भी उस समय का करंट का है, इंडेक्स 1819 कहां पर हुआ था,
कोई बात नहीं, अभी जरूरत नहीं है। हाँ ये बताना चाहिए आपको कि पूरब की तरफ कौन सा माउंटेन पड़ता है, ये हमने ज्योग्राफी में उसे ही पढ़ा हुआ है। ठीक, ये भी उस समय का करंट है, ये भी उस समय का करंट है। बता दो ऐसे लॉजिक लगा क्या होगा। चले ठीक, डॉल्फिन बता रहे हैं। ये बताना है कौन सा सही है, अभी पढ़ा था आपने नेपिड, सबसे ऊंची चोटी अकाबोराजी। देखो ये आए हुए क्वेश्चन है, पांच में लाया गया था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये पूरब की तरफ कौन से दो देश, कौन सा राज्य अपने साझा नहीं करता, वहां अभी तक जो क्वेश्चन हुआ था वो आया हुआ क्वेश्चन है, यह आया हुआ नहीं। कोचीन हिल्स, म्यांमार, यह आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, वैसे दिया गया है तो कुछ हटा दिया होगा, वैसे होगा जरूर इसमें भी आगे पीछे करके। एक बार देख लेते हैं, हो सकता है वो आ गया हो उनका एमसीक्यू, फिर ये पूरा करके कर लेते हैं। सिटवेल रोड, चाइना। सिक्किम किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है ना, ये मैप। म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा क्या था, आना मम्मी। म्यांमार, अब एक बार एमसीक्यू दोनों का देख लेते हैं। है नहीं, नहीं है। पेमेंट उतना ही आता है जिससे आप लोगों को जो बुक देते हैं उसका खर्चा निकल जाए। अच्छा बता, 2000-3000 बुक छापे और 300 फ्री दे दिए तो हो गया नहीं बराबर। आप छपती जा रहे हैं। हाँ आप फिर ऑर्डर कर दिया है, तो उसी में थोड़ा सा होगा ना भाई। वही खोल दे रहे हैं क्या बार बार, अगला श्रीलंका ही है, बांग्लादेश है। चलो एक बार पहले श्रीलंका कर लेते हैं, तब तक वो पीपीटी भेज देंगे। बांग्लादेश भी कर दें, बांग्लादेश बड़ा है, कोई बात नहीं श्रीलंका कर लेते हैं एक बार। श्रीलंका पहले क्या था, सिलोन, फिर क्या बना लंका, और फिर क्या बन गया श्रीलंका। तो श्रीलंका, लंका से श्रीलंका कब बना, 1972 में, या सिलोन बना लंका, और सिलोन 72 और 1978 लंका से श्रीलंका। तो सिलोन वाला क्वेश्चन आ चुका है कि सिलोन किसका पुराना नाम है। श्रीलंका एक आइलैंड की तरीके से है, और इसका कैपिटल क्या है, तो इसके पास दो कैपिटल है, एक तो फाइनेंशियल या कॉमर्स कैपिटल जैसे इंडिया की क्या है मुंबई,
वैसे इनका है कोलंबो, और इनकी वैसे राजधानी क्या है, जबर्धनपुरे कुट्टे। चल और हमारा लगभग 30 सम नॉटिकल माइल के इक्विवेलेंट है ये। ऑफिशियल कैपिटल इनका सिर्फ जबर्धनपुरे कुट्टे और कोलंबो, और लार्जेस्ट सिटी भी इनका कोलंबो ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज सिंगला और तमिल। सिंगल जो है वहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं, और तमिल जो है यहाँ से इंडिया से माइग्रेटेड हैं। ये जो लिट्टे थे वही तमिल वाले लोग थे, और इनको इनका कहना था कि हमें वो वैल्यू नहीं मिल रही जो हमें नागरिक के रूप में मिलनी चाहिए, तो हम अपने अधिकार छीन लेंगे। और इसके लिए उन्होंने आतंकवाद और बहुत सारे रास्ते अपने फाइनली अभी लगभग ख़त्म कर दिए गए। और यही कारण था कि भारत ने श्रीलंका सरकार को सपोर्ट किया था, तो तमिलनाडु के लोग नाराज हो गए, और उसी का साइड इफेक्ट हुआ कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, क्योंकि तमिल के लोग का कहना था कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिलेटिव हैं, और आप हम उन्हीं के खिलाफ कैसे काम कर सकते हैं। खैर, तो सिंगली वहाँ पे मेन है, और सिंगली जो है लगभग 75% है, और 11.2 श्रीलंकन तमिल हैं, और 9.2 श्रीलंकन मूर्स हैं, और 4.2 इंडियंस तमिल हैं। बेद्दा ये आ चुका है, और मलय, चाइनीज, इंडियंस ये सारे अलग अलग हैं। हाँ? कोई बात नहीं, हमने जानबूझ के किया था, लेकिन अभी पेपर देख रहे तो लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए आपको। सबसे ज्यादा कौन से धर्म को है, बुद्धिज्म, और अभी ऑफिशियली तो सेकुलर हैं, लेकिन अब वो लगभग रिसर्च और इस तरीके के पॉलिसी जो बना रहे हैं, कभी भी वो ऑफिशियली बुद्धिस्ट अनाउंस कर देंगे अपने आप को। वही कह रहे हैं, अमेंडमेंट और कमेटी जो बनाई है जिसका चेयरपर्सन एक बुद्धिस्ट पर्सन ही है, मोंक है बल्कि, और बहुत क्रूर रहा है वो, तो देखेंगे। रिलीजन बुद्धिस्ट है, और 12.6 हिंदू है, 9.7 इस्लाम है, और 7.4 क्रिश्चियन है। रिलीजन एक आधार, आसान आधार देता है पॉलिटिक्स करने का। अभी आप यूपी में देखेंगे तो लगभग यही दिखाया जा रहा है कि हमने मंदिर बनाया, हमने ये बना दिए, वो बना दिए, हालांकि रोजगार भी बता रहे कि दिए हैं। ठीक, तो पेपर कैंसिल होना बड़ी बात नहीं, यदि गलत हुआ है तो कैंसिल कर देना अच्छी बात है। हाँ, तुरंत ले भी तो लिए, कौन सा नहीं लिए। मतलब यूपी में हार जाए हुआ ऐसा चाह रहे हैं, यूपी में जितना जरूरी है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दिया। गवर्नमेंट यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, तो लगभग अपने वाले ही हैं, बस सेमी यूनिटरी लिख रहे हैं, हालांकि हम यूनिटरी नहीं हैं, हम फेडरल हैं। प्रेसिडेंट गोता भैया राजपक्षे और महिंद्रा भैया राजपक्षे दोनों भाई भाई ही हैं, और ये जरूरत है नहीं। नहीं, वो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, करंट का है। द पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका इज यूनिकैमरल, जब यूनिटरी कोई देश होगा तो ऑटोमेटिक यूनिकैमरल हो जाएगा। 225 मेंबर्स, ये शायद श्रीलंका वाला ही पूछा था कि पार्लियामेंट में कितने मेंबर हैं। लास्ट ईयर सीएचएसएल का जो सेकेंड लास्ट शिफ्ट था उसमें, या सीजीएल का सेकेंड लास्ट शिफ्ट में आया था कि श्रीलंका के लेजिस्लेचर में कुल कितने मेंबर हैं, तो 225 है, विथ 196 मेंबर इलेक्टेड इन द मल्टी सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड 29 इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज फॉर 5 ईयर। इनके पास कितने, 9 प्रोविंस और 25 डिस्ट्रिक्ट। ये कैसा दिख रहा है, आंसू के तरीके से दिख रहा है। कब ये अलग हुए उनसे, श्रीलंका ब्रिटेन से, 1948, और रिपब्लिक कब बने, 1972। वही जब 1972 में रिपब्लिक बने तो इन्होंने अपने आप को सिलोन से क्या कह दिया, लंका, और जब संविधान लागू किए 78 में तो क्या कह दिया कि लंका ठीक नहीं है, श्रीलंका कर देते हैं। तो दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है,
हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका? क्या लिखा है? पिदुरुल गल्ला। श्रीलंका हैज अराउंड 103 रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर इज महावेली। हाँ आया था ये। हाँ तो आया था, इसका मतलब आ चुका है एग्जाम में अभी। आपने रिवीजन नहीं किया होगा? नहीं, अभी आप लोग पूछ रहे हैं कि रीजनिंग टीसीएस के लिए कैसे करें कैसे करें। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो क्यूआईपी में रीजनिंग दिया गया वो टीसीएस वाला ही दिया गया है, तो उसी पे करेंगे तब भी बात बन जाएगी। लेकिन डेली आप परेशान हैं कि कैसे करें, जबकि आपको परेशान रहना नहीं था, आपको जो दिया जा रहा चुपचाप वही करना था या करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या है, मेरे समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि डेली वो चाहते हैं कि डेली एक बार बुला के 5 मिनट के लो ये पढ़ो वो पढ़ो, तो नहीं फिर भी नहीं गए तब तब कुछ और लगेगा, कहेंगे डेली 5 मिनट खराब करता है। हाईएस्ट वाटरफॉल? बामबरकंडा फॉल इज द हाईएस्ट, और द विलपिट्टू नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। देखो ऊपर के दो आ चुके हैं तो ये नीचे के दो आने हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप यकीन करिए वही आते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। तो हम क्यों पर आते हैं? क्योंकि हमने वो सोर्स उठाया जहां से आता है। कल परसों हमने बुक दिखाई थी आपको, जिस बुक से देते हैं। हाँ हर देश ऐसा ही कहेगा, वही कह रहा हूँ, हर देश ऐसा ही कहेगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जब तारीफ में कहेंगे तो कहेंगे सबसे अच्छे बालक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं खराब है, तो ये वाली बात है। ये काफी समय से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही खाली पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे लिखते हैं। ये आ चुका वाल्मेर, ये रिवर कहाँ गया? महावेली रिवर। देखो यहाँ पर हमने इसको मेंशन भी किया कि एशिया में सबसे पुराने डेमोक्रेसी के रूप में जाने जाते हैं। बेसिकली नहीं, जो एशिया की सबसे पहली महिला पीएम है वो इसी देश की है ना? हाँ, और वर्ल्ड की जो पहली महिला पीएम है ब्रिटेन की है। नेशनल बर्ड जंगल फाउल ये भी आ चुका है, और नेशनल फ्लावर ब्लू वाटर लिली, नेशनल ट्री आयरन वुड, नेशनल गेम वॉलीबॉल, और नेशनल एंथम श्रीलंका माता। हाँ? जंगल हाउल। अच्छा एफ एफ मिस हो गया वो। नेशनल एंथम श्रीलंका माता लिख लीजिए। मेरी वाली बुक नहीं भेजे। नेशनल एनिमल इनका गिलहरी, वो जो राम जी वाली जिसने उंगली पे, वही वाली है, वही गिलहरी जिस पे राम जी ने तीनों उंगली से रेखा बना दी थी, वो हमारे वहाँ है। हाँ तो ये दूसरे टाइप, उस समुद्र के उस पार थी ना ये। हाँ ये समुद्र के हाँ ऐसे ही दिमाग को चला के रखना है। जंगली मुर्गी, ब्लू वाटर लिली, आयरन वुड, वॉलीबॉल, जैक फ्रूट, फर्स्ट पीएम वाज डॉन स्टीफन सेना नायके। है नहीं है? है एमसीक्यू में होगा, थियरी में पेज नंबर
261 पे, फर्स्ट प्रेसिडेंट विलियम गोपालवा, फर्स्ट पीएम इन वर्ल्ड श्रीमन भंडार नाइके। वर्ड नहीं होना चाहिए, एशिया का तो ज्यादा अच्छा है। मार्गरेट थैचर, नहीं है एलिजाबेथ पीएम है, नहीं है ना पीएम। हाँ महारानी लिख देंगे तो पीएम रहेंगे, पीएम तो होता ही है। ठीक है वर्ड की यही आएंगे 19। हाँ क्वेश्चन है 1960 में बनी थी, 21 जुलाई 1960 को। और दूसरे नंबर पे वर्ड की हैं इंदिरा गांधी। और फर्स्ट पीएम इन वर्ल्ड पार्लियामेंट इन सीट 225 पढ़ी लिए, टोटल प्रोविंस 9 था। इंडिपेंडेंस हुआ था 4 फरवरी 1948 को इंडिया और भारत के, पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में। स्ट्रेट कौन सा, पाक स्ट्रेट, बचपन से पढ़ रहे हैं, हर एग्जाम का क्वेश्चन है। और हाईएस्ट पीक पढ़ी लिए थे। हाईएस्ट लेक नहीं था, काला वेवा रिजर्वियर। लैंग्वेज सिंगली पढ़े थे आप। लॉन्गेस्ट रिवर महावेली रिवर। और एक्सरसाइज बिटवीन श्रीलंका और इंडिया इज अ मित्र शक्ति, मिलिट्री एक्सरसाइज कल परसों में ही आने वाला है आपके पास। लिख दिए हाईएस्ट अवार्ड, जैसे भारत रत्न वैसे श्रीलंका रत्न, और भारत की तरफ से एन रमन ने रिसीव किया है। हाईएस्ट वाटरफॉल भी लिख लिए थे, बम्बर कांडा फॉल रिपब्लिक 1972 में। और लॉन्गेस्ट रिवर पढ़े लिए थे, कंट्री सिटी और फेस्टिवल एसाला प्रेनहेरा, थाई पोंगल, महाशिवरात्रि। और मत लिखना फेस्टिवल, ये तो दिया है। ठीक, डांस का ध्यान डांस और सब्र सबरा गाँव गामुआ, नहीं नहीं लिखना। फर्स्ट सेटेलाइट इनका रावण, ये लिखना चाहिए आपको। ईस्टर पे जो अटैक हुआ था वो उस समय जब बना था तो चर्चा में था, इसलिए बनाएंगे। फर्स्ट लीडर इन द वर्ल्ड टू विजिट श्रीलंका आफ्टर ईस्टर वाज नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पर हाँ ईस्टर बेसिकली क्रिश्चियन का है, एक होता है गुड फ्राइडे और एक होता है ईस्टर। गुड फ्राइडे यस, गुड फ्राइडे को उनकी डेथ हो गई थी, सुली पे लटका दिया था उन लोगों ने। और संडे संडे के दिन, ईस्टर के दिन नहीं, संडे को तीसरे दिन जीवित होते हैं, तो फ्राइडे से तीसरा दिन संडे आता है, दूसरे दिन तो तीसरे दिन तो नहीं तीसरे, हम रहे हैं क्रिश्चियन के साथ 8-5 साल लगभग, तो हमने ईस्टर भी सेलिब्रेट किया है और गुड फ्राइडे के दिन मुस्कुरा नहीं सकते हम, तो ये भी हम सेलिब्रेट किए हुए हैं क्योंकि जीवित जीवित होंगे हमें उम्मीद है। तो ये बैड फ्राइडे बोलना ठीक नहीं है, बस हम मुस्कुरा नहीं सकते थे। नवीन अच्छा पानी दे दिए, ठीक है। श्रीलंका इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम, और ये तो यूनाइटेड नेशन 1995 और 1955 में यूएन का मेंबर, ये दोनों तीनों बातें रखनी है।
चले आगे, लिट्टे वही जो हम कहानी बता रहे थे। तो लास्ट ईयर लिट्टे का फुल फॉर्म पूछा और लिट्टे में ई या कुछ एल का फुल फॉर्म पूछा था, तो देख लो आएगा यहीं से। अब आप पढ़ेंगे कैसे, नहीं पढ़ेंगे देख लीजिए। तो क्या है फुल फॉर्म? लिबरेशन, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक, और 1976 वाज फॉर्म टू फाइट फॉर तमिल राइट एंड इन 1983 सिविल वार स्टार्टेड। द बायलेटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका डिटेरियरेटेड इन 1980 विद द राइजिंग ऑफ द तमिल मिलिटेंट सेपरेटिज्म इन श्रीलंका। इन 1987 द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द टाइज इंडो श्रीलंकन एकॉर्ड विच साइन बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका के, ठीक है हम इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक समझौता करेंगे, और इसके लिए हमने एक ऑपरेशन पवन भी चलाया। ये भी आज पहले आता था SSC में कि ऑपरेशन पवन किससे रिलेटेड है, तो श्रीलंका में जो शांति के लिए जो हमने आर्मी ग्रुप बनाई थी उसके लिए चलाया गया था ये हम, और इसी का साइड इफेक्ट हुआ कि तमिल में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। क्या फुल फॉर्म है इसका? IPKF इंडो पीस कीपिंग फोर्सेस। श्रीलंका इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन SAR चाइना, ठीक है। इंडिया श्रीलंका साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 1998 विच फैसिलिटेटेड टू इंक्रीज द ट्रेड रिलेशनशिप, और ये विवाद चलता ही रहता है कब उनके मछुआरे हमारे एरिया में आते हैं, हमारे उनके वहां, तो कुछ खास अवसरों पर छोड़ देते हैं 15 अगस्त पे 26 जनवरी पर, और बीच में हम कुछ सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राम जी ने वो बनाया था वो डैमेज हो जाएगा, तो ये गलत है, लेकिन इससे हमें बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाले। श्रीलंका के सॉरी तमिलनाडु के CM ने यहाँ तक कह दिया कि राम जी जैसा कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, विवाद कट गया। ये जो ट्रीटी है ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये आइलैंड किन देशों के बीच में है, कच्छेतेवु आइलैंड पैक्ट, लेटर ऑन श्रीलंका डिक्लेयर द सेक्रेट लैंड गिवन टू द प्रेजेंट्स ऑफ द कैथोलिक श्राइन। हर हर धर्म में बंटवारा है, यहाँ कैथोलिक और एक और है, दो में बंटता है क्रिश्चियनिटी में, हाँ ना ना वो अलग चीज है, रोमन वो कैथोलिक में ही दो है, नहीं नहीं क्रिश्चियनिटी का है, ज्यूस कहाँ से हो जाएगा, खैर हटा दो। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज श्रीलंका एज द सोवरेनिटी ओवर द आईलैंड एज पर द 1974, खैर उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कि किन दो देशों के बीच में आइलैंड, तो भारत और श्रीलंका के बीच ये वाला। सेतु समुद्रम कंट्रोवर्सी है ना, बनेगा तो बनाना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो कुछ इमोशंस ब्रेक होंगे। अब तो भेज दिया होगा, पूछ क्या हो, हाँ देख लेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। देखो लग रहा था बहुत बड़ा लेकिन है नहीं, 4-5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कौन सा स्टेट और वहां का कुछ ज्योग्राफिकली फैक्ट, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट इस तरीके की चीजें, कौन सा ना 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 वो अच्छा 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री वो तो आ जाएगा, वो तो ज्योग्राफी का पार्ट। अब इसे कल परसों किसी बच्चे ने YouTube पे लिखा था कि ये वाला टॉपिक नहीं है ज्योग्राफी वाला, नहीं नाम है अफगानिस्तान 127 लग तो रहा है सिर्फ अफगानिस्तान का ही वजह, क्योंकि 50 ही होगा, तो एक अगले पे आंसर होता है ना,
तुम सिर्फ अफगानिस्तान में रहते क्या? ठीक, कोई बात नहीं, वो समझ रहा है कि तब तक पढ़ा है तब तक बना के भेज दूंगा। नेबरिंग कंट्री के बाद एक ही दो बड़ा टॉपिक आएगा, एक आएगा ऑर्गेनाइजेशन और एक फेस्टिवल, बस उसके बाद सब छोटे छोटे हो जाएंगे। उसके बाद फेस्टिवल और ऑर्गेनाइजेशन के बाद कोई बड़ा टॉपिक नहीं बनेगा। लेकिन धीरे धीरे आप ऑप्शन, अच्छा जो तरीका दिया था वो कर रहे हैं जीएस में 25 में 25 20 मारने का अटेम्प्ट, कम से कम मारिए उसका फायदा होगा। हाँ है, वहाँ भी मारना है तो इसीलिए तो यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो फायदा हो रहा होगा, मुझे कई लोग मिले जो बताए कि हाँ फायदा हो रहा है। 99% फायदा होगा। अब भाई वो दिन आपका है तो खेल गए, तो जीएस पूरा तैयार होगा नहीं, कभी आएगा लगभग यही। कहाँ जाते, 600 पेज में सब कुछ कर दिया है, नहीं वो कह रहा कि ज्यादा 600 पेज में आपका थियरी भी हो गया एमसीक्यू। हाँ ये तो कर लिए थे, हाँ पितृ तल्ला गल्ला जो भी करना पड़े, लेकिन करना तो पड़ेगा। 1919 कौन सा खेल था, बुचकासी, ये तो हो ही चुका है, दुनिया का सबसे व्यस्त कंधार हो गया है, ये भी हो चुका है, ये भी हो गया। हाँ ड्यूरेंट लाइन, अफगानी कितने नंबर तक हो चुका है, चाबार, ईरान, सार्क 2007, चले 106, काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तालिबान, नहीं है डायरिक था, ये था ये था ये नहीं है, क्या गलत दिया हुआ, ठीक तो दिया है, क्या नहीं है पूछ रहा है, तो बी अरबिक, ड्यूरेंट रेखा किन देशों के बीच में है, ए अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 1893। ये मजा है, थियरी को पूरी तरीके से हमने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया, आप थियरी नहीं पढ़ते तब भी आप कर लेंगे। किस स्थान पर खोज नहीं हुई है, ये दो नाम तो हमने दिया ही था, सबसे ज्यादा पश्तून, पहले उपराष्ट्रपति, उस सदन को क्या कहते हैं, निचले सदन को, हाउस ऑफ पीपल। रिपब्लिक कब बना था, 1973। बेहतर दिया हुआ है, इसको डी कर दीजिए, ये ठीक कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में ठीक है, 73 दिया, अफगानिस्तान का कौनसन लागू हुआ, और 26 जनवरी है, सही है, सही है, फिर
अफगानिस्तान का मूल अफगान वर्ड किस वर्ड से लिया गया? अशोकान। पश्तून है। कितने प्रांत है? क्या कह रहे थे हम प्रांत को यहां पर? विलायत, तो भी याद रखिएगा। तो अब तो है ही नहीं है, तो अब कोई मतलब ही नहीं। अब तो जिसने जिसने बंदूक उठाया होगा उसको दे देंगे। अफगानी गोल्डन ईगल, ट्यूलिप, मैप में देखे थे साउथ ईस्टर्न। छः और ब्रैकेट में सात, इंडिया को काउंट करेंगे तो छः ही है, मतलब दोनों में मजबूरी हो तो छः, मतलब दोनों अटेम्प्ट करना हो तो छः है दोनों ऑप्शन में, नहीं है तो सात। कौन सा था? माउंट नौशाक। अफगान नौवर्ष वही, जब उनका क्या उनसे नौरोज होगा तब। ऑनलाइन ऑनलाइन वालों को भी बता दीजिए, ये ऑनलाइन वालों को तो पढ़ा रहे हैं, इतना फास्ट पढ़ा क्यों रहे हैं? अफगान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम। ऊपरी सदन में कोई मस्जिद होगी, ऊपरी सदन में कितने? 102। ठीक, निचले में? 37। ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है, नहीं आएंगे ऐसे। 40। दुरानी साहब महाराज का संस्थापक, पहला राष्ट्रपति। सबसे पहले देश छोड़ के भागा थे। बुक में क्या दिया हुआ है? बुक में आंसर में क्या दिया हुआ है? यही है ना? ठीक, वैसे भी अब काम का है नहीं, सबको भगा दिया। मौका दिया था कि ये तो भाग जाना नहीं तो मार देंगे। 1919 में पहले राजा कौन थे? किंग अमानुल्ला। हाँ दिया है, बुक में दिया है। नेशनल फ्रूट्स, पीच, आडू। सबसे बड़ी नदी? अमुदरिया। सबसे लंबी नदी? लॉन्गेस्ट अमुदरिया थी, लार्जेस्ट हेलमेन रिवर।
है? चेक करो। हाँ ठीक है, लॉन्गेस्ट। हाँ अमुदरिया सबसे बड़ी झील, कजाकी डैम है। यस, नेशनल डांस अटन, अटन इज द नेशनल डांस, नेशनल कभी खुशल खटक। अफगानिस्तान का काबुली पुलाव, सरागाड़ी का युद्ध 1897। सलमा डैम अफगानिस्तान और भारत, सारे पैसे हमने लगा दिए, उसके बाद कोई और कब्जा करेंगे। तो अफगानिस्तान हो गया, इतने ही क्वेश्चन थे ना अफगानिस्तान में। बात क्या पढ़े थे, म्यांमार, हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत तो नहीं होती ना बुक में, क्योंकि हम सारा एक एक चीज हिंदी में ही बता रहे हैं। कोई है हिंदी मीडियम का बैठा हुआ, आप दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही ना, ठीक है। कोई अपडेट इज हिंदी में रहा, इंग्लिश में रटना तो पड़ेगा। नहीं, म्यांमार हो गया, श्रीलंका नहीं हुआ अभी तक, मैं म्यांमार हो गया यहाँ पर डाउनलोड। चलो श्रीलंका भी डाउनलोड हो जाए तब तक, हैं, नेट भी चलेगा और इतना चलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे, हर सीट पे चला रहे। पहले क्या पढ़ा था, म्यांमार, लास्ट टाइम जो एक दो गलती की थी उस बार नहीं कर रहे हैं ना, इस बार पहले ही टाइम पे सारा करंट भी दे रहे हैं, ऑनलाइन भी टाइम पे शुरू कर रहे हैं। लेकिन आप ऑनलाइन के टाइम पर किसी और का टेस्ट देने लगते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। दूसरे का टेस्ट आपको सिर्फ बहम देगा कि हाँ कंपटीशन आसान है, आप कर सकते हैं। हमारा टेस्ट आपको मजबूती देगा कि और पढ़ने की जरूरत है, खूब पढ़िए। और ऐसा पता नहीं, हम तो ये नहीं समझ पाते हमारे टेस्ट टफ क्यों मानते हैं, जब एसएससी में वही आ रहा है, वही दे रहे हैं, तो टफ कैसे हो गया? हाँ तो ठीक है ना, मान लो कोई बुक है उसी में से दे रहे हैं तो नॉर्मल बात है। अब ये हम करें कि आसान आसान क्वेश्चन देते रहे और आप खुश होते रहे, बह में रहने का कोई जिंदगी में फायदा थोड़ी नहीं है। जिंदगी आसान है? नहीं, जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी मुश्किल है, लेकिन तब आसान होती है जब आप एक बार अपने आप को आसान बना लेते हैं। इंस्पेक्टर बन जाए, फिर देखिए म्यांमार का नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। म्यांमार कितने राज्यों के साथ, कितने देशों के साथ? ओके, पांच। कौन सा देश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भूटान। म्यांमार की जनसंख्या कितनी है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना, इसका कई गुना तो अपने यूपी में है। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिड। ये आ चुका है एग्जाम में, बहुत बड़ा है। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर यंगून। किस साल आसियान का सदस्य बना? तो फाउंड 1987
97 और म्यांमार और आसियान बना कब 67 आंग बर्मा युद्ध किस शताब्दी में हुआ था 1893 या 48 1886 तो 86 में हुआ है तो 19वां होगा अभी हम कौन शताब्दी में चल रहे हैं 21वीं में और म्यांमार को किस वर्ष स्वतंत्रता दी गई थी 48 में पढ़े थे अभी किस वर्ष सैन्य तनाशाही बन गया 62 में और अभी 2019 में या 20 में 21 में सैन्य आधिकारिक रूप से किस वर्ष समाप्त हुआ कभी नहीं मतलब ऐसे चलो इस ऑप्शन वाइज 2011 म्यांमार किसका सदस्य नहीं है कॉमनवेल्थ का नहीं है कौन से जाति समूह म्यांमार के अधिकांश आबादी का निर्माण करता है बामर हाँ तो आओ ऑप्शनल है कॉमनवेल्थ के मेंबर कौन है वे मेंबर हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे लेकिन कुछ देश हैं इस बात का मजाक उड़ाते हैं जैसे रसिया हमेशा मजाक उड़ाता है इस बात का कि ये गुलामी कभी छोड़ेंगे ही नहीं तब हम हाँ हम क्विट कर सकते हैं हाँ लेकिन इसमें दिक्कत नहीं हम सबका दुख एक जैसा रहा है तो अब एक साथ मिल के ग्रुप बनाएंगे तो ये म्यांमार के अधिकांश लोग किस धर्म का पालन करते हैं बुद्धिस्ट को हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार जुंटा म्यांमार के स्टेट काउंसलर थी आंग सान सू की पहले उपराष्ट्रपति थे मिंसवे है दूसरे राष्ट्रपति थे म्यांमार के पर हाउस को क्या कहते हैं हाउस ऑफ नेशनलिस्ट निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स म्यांमार के 25% विधायकों की नियुक्ति कौन करेगा जुंटा मिलिट्री बर्मा का नाम म्यांमार कर दिया गया 1989 जब अभी आंग सान सू की बनी थी तो उनको कहा गया कि बर्मा कर दो दोबारा क्योंकि इन्होंने किया था म्यांमार जुंटा सरकार ने तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसे विवाद के मामले में नहीं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन आरोप है कि वो उस 25% क्राउड को मिस न कर दें या उनको नाराज न कर दें इसलिए वो ऐसे नहीं की थी ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था 1886 में 86 में यस कौन सा म्यांमार से संबंधित नहीं है कुनबांग तांगू प्रद्योत ये तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए एक परेशानी होना हमने बस वहां से उठा के ताकि आपको ये रहे कि तीन डेंसिटी हमने पढ़ी थी स्वतंत्र बर्मा के पहले राष्ट्रपति कौन थे साउ स्वे थाई और पहले पीएम यूनु आई गया पहले पीएम यूनु म्यांमार की सबसे लंबी नदी सबसे सबसे बड़ी नेशनल इरावदी म्यांमार का हाईएस्ट पीक काबो राजी भारत म्यांमार की 1643 1643 कितने राज्यों के साथ कौन कौन अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश 523 भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे छोटा नागालैंड 218 मैं तुम्हें खून दूंगा मैं तुम मुझे आजादी दो ये तो लोगों ने कहा था किस देश का कब्जा था
जापान नहीं, जापान के अगेंस्ट हाँ ब्रिटेन लड़ रहा था। हम तो जापान ब्रिटेन के साथ थोड़ी नहीं थे, इंडो में मार हमें जबरदस्ती रखा गया नहीं आप इन्हीं के साथ में। अभी हमने बताया था 2001 में किस राजमार्ग तामु केलवा कलवायो के टी ए के है ना, कौन से मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कालादान, कालादान किससे किससे कोलकाता और सिटवे, अच्छा ऊपर कोलकाता और सिटवे सी प्रोजेक्ट, कालादान किन दो राज्यों के बीच में, क्या आंसर दिया है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ऊपर हो गया, मिजोरम नागालैंड उधर हो गया, ठीक। भारत में म्यांमार की संयुक्त सेना का नाम सनराइज, नॉट लिटर गोल्डन ट्रायंगल, नहीं भारत नहीं था है ना, म्यांमार लाओस और थाईलैंड थे। म्यांमार की मुद्रा क्यात, म्यांमार का नेशनल एनिमल टाइगर, बागी है। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी ग्रे मयूर तीतर, पिकॉक फिजेंट, नेशनल फ्लावर पडोक, ऐसे सुन सुन के खुश होना है कि चकना भी कोई चीज होता था। म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है सिक्किम। म्यांमार का नेशनल गेम वॉलीबॉल, चिनलोन, हाँ ठीक है ठीक है। काबा माक्यूई, कितने राज्य हैं, सात। म्यांमार का संविधान कब आया था, 2008। म्यांमार का नेशनल फूड मोहिंगा, चाय पत्ती सलाद। नेशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग, इनमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ना शोंग वाले में, है ना, इसका मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मिल जाए समझ जाने आया हुआ है। पहला डेंसिटी कौन सा था, कौन ए पांगन। म्यांमार की सबसे बड़ी झील इंडागवी लेक, सबसे डीपेस्ट पॉइंट अंडमान सी, एकमात्र आंग सांग सू की। म्यांमार का सबसे पवित्र शिवालय कौन सा, पैगोडा बी, देखो ये भी आया हुआ है, समझ रहे हैं ये आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा एक सीमा बजाए बनाए कचिन भारत और म्यांमार, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। सिटवेल अभी पढ़ा था चाइना के बीच, ये भी आया हुआ है। सिक्किम किसके साथ साझा नहीं करता है, ये करेली है। म्यांमार क्या, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। यानी उतना मुश्किल है नहीं जितना हम डरे हुए हैं। पंद्रह मार्च तक खर तो खत्म कुछ सिलेबस सब, और सिर्फ रिवीजन पढ़ना नहीं है। जैसे भी कुछ बच्चों को देख रहा हूँ दिन में टेस्ट ही देते रहते हैं, तो गलत है वो, टेस्ट देना सोल्यूशन नहीं है।
अपने वीक पॉइंट पर काम करना जरूरी है, आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना जरूरी है, आपने जो केवाईपी दी है उसको एनालिसिस करना जरूरी है, जहाँ पीछे गलत रहे। मेंस वालों को देख रहा हूँ, दिन में टेस्ट देते हैं प्री का, वो फिर वहीं रह जाएंगे। उनका जीएस कमजोर था तभी उनका प्री में कम नंबर है, उनका रीजनिंग कमजोर था तभी प्री में कम है, मैथ इंग्लिश लास्ट में हम 10-12 दिन छोड़ देते हैं, मतलब ऑप्शनल रखेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो नेक्स्ट ईयर करेंगे तो उनके लिए तो बनेगा ही, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, लेकिन मेरा मानना है कि लास्ट में टेस्ट नहीं देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और आराम से अपना जो पहले पढ़ा है सिर्फ रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में माइंड को थोड़ा सा रवा करना भी जरूरी है, मतलब रिलैक्स करें। टेस्ट का कोई लिमिट नहीं है, टेस्ट वाले क्वेश्चन आते नहीं, और प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी बहुत कर रखा है, तो आपका जो कम था वो अच्छा करने की जरूरत है। जैसे आपको पता है 1.5 डेज से क्वेश्चन आ रहा है, तो टेस्ट देने के बजाय 1.5 डेज को 2 दिन रट दीजिए। आपको पता है नेशनल पार्क से आ रहा है, तो टेस्ट देने के बजाय जरूरी है कि उसको रट दीजिए। तो हम वो नहीं सोचते, हमें लगता नहीं ज़्यादा पढ़ना है ना, कम पढ़ना है लेकिन सॉलिड पढ़ना है। श्रीलंका को कैसे अलग करते हैं? पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, प्रेशर में आ गया। ठीक, लेजिस्लेचर कैपिटल ऑफ श्रीलंका, जयवर्धन कोट्टे। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल, कोलंबो। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, तो ये नहीं है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी श्रीलंका। 30 नॉटिकल माइल। अभी अपना ये स्पेस कितने नॉटिकल माइल पे है? नहीं, ये जो अपना लोकेशन है ये 51 माइलस्टोन पे है। अगल्स वाला कितने माइल पे है? 49 पे। दूरी मतलब दिल्ली बेस बना लो या किसी एक, इतने नॉटिकल माइल, इतने नॉटिकल माइल, इतने नॉटिकल, हाँ दिल्ली से काउंट हो रहा है। 1.5 किलोमीटर लगभग होता है, तो ऐसे कर लो लगभग 75। नहीं बस शुरू में पुराने समय में पत्थर गिराते चलते थे, 50। कहीं से तो बेस बनाओगे, दिल्ली से बना लिया। जब आपका गांव उस लायक हो जाएगा, नहीं अभी किसी अखबार में मीडिया में देख रहे थे, तो किसान आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये पत्रकार ने कहा कि ये राकेश टिकैत का गांव है और मैं आया हूँ, तो बोले सुनो सुनो सुनो, राकेश टिकैत का गांव नहीं है, राकेश टिकैत इस गांव के हैं। हाँ, और दोबारा बोल मत देना, वो यहाँ रहते हैं, तो वो उसका कॉन्फिडेंस था। हाँ, श्रीलंका की कौन सी भाषा नहीं है? द्रविड़ नहीं है, सिंगला और तमिल है। अब जैसे हिंदी वालों को सिनाला नहीं पढ़ना है, सिंगला पढ़ना है, जी मिस है इंग्लिश में भी, इसलिए सिनाला हो गया है ना। श्रीलंका के अधिकांश आबादी कौन सी? सिंगली। कहां पे है सिंगली? लंका का, इसमें भी जी मिस है। ठीक है, बुक में है, सही है इसी तरीके से। अच्छा, किस धर्म का पालन करती है? बुद्धिज्म। और हम ही ने भेजा है बुद्धिज्म को, अशोक ने, उनकी पुत्री और क्या नाम था, संघमित्रा, और पुत्र का नाम महेंद्र, ये दो लोग जाके बताए कि बुद्ध जैसी चीजें हैं, और आज वही हो गए वहां पर। किस प्रकार की सरकार है? सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। क्या दिया आंसर? ठीक है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ गोटा? भैया राजपक्षे, छोटा भाई प्रेसिडेंट, बड़ा भाई पीएम, घर में ही चल रहा है सब। फाइनेंस में छोटा भाई, ठीक, नहीं घर की भैंस भी दुखी, काश मेरे भी कुछ बना देता। महिंद्रा राजपक्षे, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट टाइम का,
तो आप इन दोनों राजपक्षे का तो ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, अदरवाइज दोनों देता तो आप पक्का कंफ्यूज होते। संसद का अध्यक्ष कौन है? अभय वर्धन है। ये नहीं आया हुआ, ये नहीं आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान भी नहीं होना है। श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य? 225। ये आया हुआ है। कितने प्रांत में? 9। गायब है आंसर, तो 9 कर देना भाई वहां पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर देख लो। श्रीलंका में कितने जिले थे? 25। श्रीलंका को आजादी कब मिली? 48। श्रीलंका गणतंत्र कब बना? 72। श्रीलंका के संविधान 78। अच्छा, ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई। श्रीलंका बेसिकली होता क्या है, जो हम क्वेश्चन आया होता है आपके एग्जाम में तो उसको हम पेपर में डालते हैं, तो इसलिए हम एक्सप्लेनेशन बना रहे होते हैं, तो लास्ट में जब मिलाते हैं तो वहां रख देते हैं। तो लगभग जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है नहीं, ये तो सच्चाई यही है कि जनरली जो आ जाता है वो नहीं आता है। जनरली टीसीएस में, जीएस में स्टैटिक वाला पोर्शन लगभग उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। जैसे आपने देखा कि डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है श्रीलंका का, तो आपको पता है आया है, इसका मतलब म्यांमार वाला पूछ सकता है, ये पर्पज है बताने का। हमने देखा कि श्रीलंका के लॉन्गेस्ट रिवर पूछा है, तो नेक्स्ट ईयर म्यांमार का लॉन्गेस्ट रिवर पूछ लिया, इस तरीके से ये मतलब है। आएगा तो वो नहीं जो हम आ चुका है, लेकिन इसे हम थोड़ा इंटरेस्ट होता है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आया हुआ आएगा, मैथ बिल्कुल नहीं आया हुआ आएगा, जीएस बिल्कुल नहीं आएगा, स्टैटिक का कुछ पोर्शन आएगा, करंट लगभग वही आ रहा है। बल्कि आपको यह करना चाहिए कि जो करंट में आया हुआ है उसका जरूर करंट ईयर का कर लेना चाहिए। अभी सिलेक्शन पोस्ट में इतना पुराना करंट पूछा है, लेकिन वही जो पहले आया हुआ है सेम, मैं खुद भी दंग, अब क्या करूं, बच्चों को क्या कहूंगी, पुराना करंट पढ़ो, लेकिन आ वैसे ही रहा है। क्या टीसीएस वाला रिपीट था? तो मैं तो शुरू से यही कहना चाह रहा हूँ, टीसीएस वाला नहीं, एमबी वाला, मैंने उस दिन भी यही कहा था, टीसीएस वाला नहीं आएगा, एमबी वाला आएगा, 4 साल पहले वाला। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से केसीएससी के 4 साल के अंदर आए हुए क्वेश्चन नहीं देने हैं आपको, तो टीसीएस का अभी 3 साल हुआ, तो इसलिए वो अपना दे नहीं सकता, ये वाला पॉइंट है। लेकिन 99% बच्चा कौन सा पढ़ रहा है? टीसीएस का पूरा क्वेश्चन जीएस का रट रहा है, इंग्लिश का रट रहा है, आएगा ही नहीं। तो वो बात समझने में मुझे भी लग गया कई साल, लेकिन आपको हमने समय पर समझा दिया है। श्रीलंका किस प्लेट टेक्टोनिक का हिस्सा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब क्यूआईपी में भी मैं जीएस बदल रहा हूँ, अभी तक हम क्या कर रहे हैं टीसीएस में जो आया वो डाल रहे हैं, लेकिन कमिंग वीक्स हम किरण के, राकेश यादव और अरिहंत से डालना शुरू करेंगे, ताकि आप उसको पढ़ना शुरू करें जल्दी जल्दी। समझ पा रहे हैं? हमारे लिए मुश्किल है। कौन सी? इसमें रखी रहती है, ले जाके पढ़ के वापस कर दिया करिए, इसमें ड्रॉल में रखी हुई है, अब 2-3 ही रखी है, हो सकता है एक दीपक ले गया ना, हाँ तो हिंदी में होगी, नहीं और भी है इसमें, दोनों में भरा हुआ है। मैं बना रहा हूँ एक रेक जिसमें आप सिलेक्शन देख लेके जाएंगे तो अपना बुक दे के जाएंगे, मैंने सिलेक्शन वाले, ये नहीं कि नहीं हम दे जा रहे हम नहीं पढ़ेंगे। श्रीलंका कितने डिग्री के बीच में? 5 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ। अब देखो ये मजबूरी है ऐसे क्वेश्चन बनाने, पूछ लिया गंगा कितने डिग्री से कितने डिग्री है, पागलों वाला क्वेश्चन। श्रीलंका किन देशांतरों के बीच है? देखो है तो ये आसान क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन ने टफ कर दिया। ये बेसिकली हम पर क्वेश्चन पे करके बनवाते हैं, तो वो बदला क्या करता उसी को लाइन से बनाता चला जाता है, मैंने कहा इसी को सोर्स रखना तब जाके इतने क्वेश्चन तैयार हो गए। श्रीलंका इज द डायरेक्शन ऑफ बे ऑफ बंगाल, बताइए बंगाल के किधर है? साउथ वेस्ट। हाईएस्ट पॉइंट पढ़ाया था अभी, पिद्रुत
लगल देख लो आया हुआ है। श्रीलंका में 103 नदियां थी, ये नहीं आया हुआ है, ये आया हुआ है, एक्सप्लोरेशन है तो आया होगा पक्का। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा, यही था कल परसों देख लो। हाँ तो ये 2-3 बार आ गया, कल परसों के पेपर में आया, इसका मतलब है कि ये रेलवे में भी आ गया और एमटीएस में भी आ गया। अभी जो पेपर चल रहा है आपका नहीं पता तो होगा ही आपको कौन सा अभी चल रहा है आजकल, नहीं चल रहा है ठीक है। विच इज द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ श्रीलंका? बंबर कांडा फॉल देख लो, ये भी आ गया। सबसे बड़ा नेशनल पार्क विलापट्टू नेशनल पार्क, एशिया के सबसे पुराना लोकतंत्र श्रीलंका, सिलोन। हाँ एक्सप्लेनेशन है इसका मतलब आया हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं है, गुलामी में भी डेमोक्रेसी हो सकती है। हम बार बार अंग्रेजों से क्या मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दो। तो डोमिनियन स्टेट क्या है कि हम शासन करेंगे, बस आप हम पे कंट्रोल रखना, जब हम गलत करें तो हमें बताना कि आप गलत करें, जैसे आप ऐसे समझो। हाँ स्टेट और यू और सेंटर का जो रोल है, स्टेट ही काम कर रहे हैं लेकिन उन पे सेंटर का भी कंट्रोल बना हुआ है। सिलोन राज्य परिषद का पहला चुनाव 1931, वही तो बोल रहा हूँ 1991 है ऑप्शन में, निकम में थोड़ा बहुत हमें भी आता है यार। पहले चुनाव के बाद अब ये बताओ, डीवी जयतिलक नेशनल बर्ड जंगल फाउल, ब्लू वाटर लिली श्रीलंका का नेशनल ट्री, आयरन वुड। अब तक का मैंने ट्रेंड देखा है एसएससी में, जो लास्ट में पेपर होते हैं सीजीएल वाले उन्हीं में नेबरिंग कंट्री पूछता है, सीएचएसएल में मैंने देखा सेकेंड लास्ट डे में पूछ दिया, सीजीएल में भी लास्ट ईयर लास्ट डे में पूछा। लेकिन ऐसा आपने कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है, शुरू में नहीं पूछा दोनों तीनों साल, अब उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि ये वाला टॉपिक आया नहीं आया। तो मेरा मानना है कि सब कुछ पढ़ ही रहे हैं। विच इज द नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका? वॉलीबॉल। राष्ट्रगान श्रीलंका माता। नेशनल फ्लावर फ्रूट्स कटहल। नेशनल एनिमल एलिफेंट है, सही है। श्रीलंका के पहले पीएम टीएस सेनानायके, ये था बुक में। पहले प्रेसिडेंट विलियम गोपलवा इसे साबित हो रहा है कि बिहार के एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था। हु वाज द फर्स्ट वुमेन पीएम इन बोर्ड? भंडार नाइके। अच्छा इनके पास क्या मंत्रालय था ये भी देख लेते हैं, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर भी था। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी, फरवरी। सबसे बड़ी झील काला वेवा लेक, श्रीलंका और इनके बीच मित्र शक्ति, कौन सा सम्मान देते हैं? श्रीलंका रत्न, श्रीलंका रत्न समाप्त होने वाला एन राम, श्रीलंका को गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 22 मई। श्रीलंका कितने स्थान पर आता है क्षेत्र के आधार पर? 120। जनसंख्या के आधार पर 58, 58। गृह युद्ध कब खत्म हुआ? 2009 में। कौन सा त्योहार श्रीलंका में नहीं मनाया जाता है? थाई पोंगल था, महाशिवरात्रि था। अब दो में तुक्का मारना है आपको। ए रोंगल सिंगलम, श्रीलंका का नृत्य नहीं है, सदाल के
रावण मन दुनिया का पहला नेता मोदी जी, बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया श्रीलंका ने, अभी तो कह रहे हैं स्कूल में भी पहनेंगे। ए श्रीलंका में बौद्ध धर्म कौन लेके आया था? महेंद्र लेके आए थे, पापा ने भेजा था। श्रीलंका चाय का सबसे बड़ा फोर्थ, भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंज्यूमर बट नॉट एक्सपोर्टर। ओके FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसका संस्थापक सदस्य नहीं है? IMF का नहीं होगा, अभी भी भारत ही रिप्रेजेंट करता है इसको। लिट्टे की स्थापना कब हुई थी? 1976। ये अच्छा क्वेश्चन है। गृह युद्ध 1983, भारत श्रीलंका समझौता अगले दो साल बाद ही, एक साल बाद ही 87 है। ठीक, तो 86 में उन्होंने शुरू किया और 87 उन्होंने मदद मांग ली। शांति रक्षक की पीस कीपिंग फोर्स सबसे बड़ा, दूसरा पहले नंबर पर चाइना, दूसरा ये भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा पाक स्ट्रेट? ये कच्ची थी, कब किया था बच्चे? 1974। जयवर्धन पुरा कुट्टे श्रीलंका वेदा। हाँ देखो, यही क्वेश्चन हम बोल रहे थे उस दिन कि एथनिक ग्रुप में सबसे बड़ा तो जानना ही जानना है, लेकिन ऐसे भी दे रहा है नीचे वाला कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, यही क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था उस दिन से। तो वेदा कहाँ पर? श्रीलंका में। सिगरिया भित्ति चित्र और दामफुला गुफा कहाँ पर? श्रीलंका। ये उस समय करंट में रहा होगा, हाँ पूछा हुआ है। लिट्टे, देखो यही क्वेश्चन आ गया। तमिल इलम श्रीलंका वार, व्हाट इज द फर्स्ट फर्स्टी टाइगर? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। पाक जल संधि क्या होता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जबर्धन पुट्टे किसकी राजधानी है? तो कई बार आया क्वेश्चन, कौन सा केदार जाधव? श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन? इसमें भी एक ही ऑप्शन दिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई। किरीबात पढ़ा चुके हैं आपको, किसका नेशनल फूड है बताइए? किरीबात बताइए किसका? श्रीलंका। सबसे बड़ा कोलंबो। कांदियन डांस श्रीलंका, यानी वो जो हमने दो तीन दिए थे उसमें से ही पूछ लिया, ना केवल श्रीलंका बल्कि पूरे बस चुकी। श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, नहीं ले श्रीलंका से कितना पूछ लिया इनने? 9। ये भी आया हुआ है क्या? ये भी आया हुआ है, पूरा श्रीलंका ही पूछा। देखो ये भी क्वेश्चन आया था 225, बहुत पूछा यार। सबसे ऊंची चोटी भी पूछ लिया। पाक जल मध्य गल्फ ऑफ मन्नार। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली। '79 में वेस्ट इंडीज है श्रीलंका ने, क्योंकि बाद में हमने उसको हराया है, वेस्ट इंडीज विनर था।
बाहर श्रीलंका के बीच कच्छतेव, देख लो ये भी क्वेश्चन पूछ गए। हनबन टोटा, अभी तो पता है कि श्रीलंका, बाद में नहीं पता। श्रीलंका किससे अलग होता है? पाक स्टेट। तो हमने, अब कौन कौन सा बच गया? मालदीव और चाइना, बस। तो कल ये निपट जाएगा और फिर उसके बाद परसों दो चैप्टर, फिर काम खत्म। लेकिन हम इस वीक लगातार बढ़ते चलेंगे आगे। सेकेंड चैप्टर में तो पढ़ाना कम है, उसमें रटना ज्यादा है। मतलब लार्जर पोर्ट पढ़ाना है, लेकिन बीचेज आपको रटने होंगे। बीचेज समझते हैं ना, तो आपको रटने पड़ेंगे। और हमने उसको कैटेगराइज ठीक से कर दिया। तीसरा कुछ तो नहीं है इस चैप्टर में, सी पोर्ट और बीचेज के अलावा? ये बेसिकली दोनों अलग अलग चैप्टर थे, तो हमने दोनों को मिला के एक चैप्टर कर लिया। डिफेंस एक्सरसाइज में भी दो टॉपिक हमने शामिल किया है। हाँ, तो दोनों एक साथ कर दिया। तो धीरे 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 आपके तैयार होते चले जाएंगे। आपने मैथ चैलेंजेस भर के दे दिए ना हमें, उसको आपको जल्दी वापस कर दिया जाएगा रिकमेंडेशन के साथ, और फिर उसी पे काम करिएगा। तो बहुत कम समय में आप मैथ को रिवाइज करने की स्थिति में होंगे। जनरली हम रिवीजन के नाम पे पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो वो गलती नहीं करना है। प्री में 180-90 नंबर का टारगेट रखना है। 190-95 आ गया तो रैंक खेल गए। नवीन का सर प्री में ज़्यादा था, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत था। एक बार आया मेंस के लिए, जब हमारे पुरानी बिल्डिंग थी तो सुविधा नहीं थी वहाँ, तो नहीं आया। लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस देखा, एक्सट्रीम। 226 था, 206 था प्री में, 6 बहुत ज़्यादा होता है प्री में। अब तो खैर 206 किसी का आएगा नहीं, अभी उन्होंने पेपर। हाँ, मुझे लग रहा 214 या 226 कुछ ज़्यादा था। खैर, तो अब तो TCS आने नहीं देगा किसी का प्री में इतना नंबर, क्योंकि अब सिलेक्शन पोस्ट देख के लग रहा है कि इंग्लिश में भी खेल रहा है। पैसेज लंबे लंबे खूब दिएगा। हाँ, लंबे हैं, तो बात वही है। मैं तो कोई ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना जो आपसे नहीं होता है, उस टाइम में होना बड़ी बात है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।